हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे DRDO CEPTAM टेक्नीशियन के बारे में एक बार और। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर। काफ़ी स्टूडेंट जो है मैसेज करते थे आंसर की को लेके कि सर आंसर के रिलीज नहीं होगा वगैरह वगैरह, काफ़ी जो है उनके डाउट्स है कि DRDO कभी भी आंसर के रिलेटेड जो है कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करता सर, कोई भी अपडेट नहीं आती। तो आज हम आपको बताने वाले विथ प्रूफ के साथ, और साथ ही आपको बताएंगे एक्सपेक्टेड कब तक है जो आपका इसका आंसर किया आएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले आपके सभी क्वेश्चन का आंसर। तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब ले लीजिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे आप वो चाहे डिपार्टमेंटली भर्ती क्यों ना हो, आपके लिए हम लेकर आते हैं शुरू से लेकर, यानी कक्षा चौथी से लेकर ग्रेजुएशन तक के लिए, MCOM तक के लिए, MSc के लिए, यानी कि हम शुरुआत से लेके अंत तक जहाँ तक भी है सभी प्रकार के जो हैं सभी जॉब के लिए ABCD ग्रुप हम सभी जॉब लेके आते हैं आपके लिए। और यहाँ पे हम आपको बताते हैं कैसे आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, क्या आपको रणनीति अपनानी होगी, कितना एक्सपेक्टेड कटअप जाएगा, क्या आपको इस फॉर्म को भरना है या नहीं भरना है वगैरह वगैरह। हम आपको पर्सनली जो है बात करके भी आपको उसका आंसर्स देते हैं। तो इस दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देर न करते हुए। तो जैसा कि दोस्तों आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है, विल DRDO रिलीज द ऑफिशियल DRDO CEPTAM आंसर की। जी हाँ दोस्तों, हम ये एक वेबसाइट के जो है थ्रू आपको बता रहे, ताकि आपको ये प्रूफ भी हो जाए कि हम ये अपनी तरफ से नहीं बता रहे, ये वेबसाइट ने आपको जो है क्लियरिफाई किया है। कि देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था जो लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट, कि विल DRDO रिलीज द ऑफिशियल DRDO CEPTAM आंसर की। तो देखिए, इसका आंसर है यस, DRDO रिलीज द ऑफिशियल आंसर की। तो आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जो है व्हाट इफ कैंडिडेट्स हैव डाउट रिगार्डिंग द ऑफिशियल आंसर की। तो देखिए, इसका आंसर इन्होंने क्या बताया कि कैंडिडेट्स हैविंग एनी डाउट विथ रिगार्ड टू द आंसर की कैन रेज ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द सेम। नंबर तीन का क्वेश्चन जो है वो है, विल द आंसर की विल बी अवेलेबल फॉर डिफरेंट कोड्स। यस, द आंसर की विल बी अवेलेबल फॉर डिफरेंट कोड्स। नंबर चार पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, इज देयर एनी यूज इफ कैंडिडेट्स चैलेंज द आंसर की। और इसका आंसर है, देख लीजिए, इफ द ऑब्जेक्शंस आर फाउंड टू बी वैलिड द फाइनल आंसर की विल बी पब्लिश्ड एंड DRDO CEPTAM रिजल्ट्स विल बी पब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द फाइनल कीज। तो यहाँ पे आपको मैं अगर समझा दूँ इस बात को, तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपका जो आंसर की इसलिए जारी होता है कि आप जो है उस आंसर की को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, मतलब अगर आपका जो मार्क्स राइट है और गलती से वहाँ पे आपको रॉन्ग दिया है, या फिर रॉन्ग है क्वेश्चन वहाँ पे उन्होंने राइट दिया है, तो आप इस चीज़ को क्या है जो है ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पे मेरा राइट था, उसके बावजूद जो है यहाँ पे मुझे रॉन्ग दिया गया है, या फिर ये क्वेश्चन गलत था वगैरह वगैरह, जो भी आपको सर डाउट्स होते हैं, इसलिए आंसर की का जो है सिस्टम जारी किया गया है। इसके थ्रू क्या होता है कि आप लोग जो है क्वेश्चन के खिलाफ जो है अपना आवाज़ उठा सकते हैं, और इसको जो है वहाँ पे एक्सेप्ट भी किया जाता है। अगर आपका जो है लीगल है, यानी कि सही होता है, आपने जो ऑब्जेक्शन लिया है, तो आपका जो है फाइनल आंसर की भी रिलीज होता है उसमें सुधार करके। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आपको उसके मार्क्स सीधे दे दिए जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों काफ़ी जो है फायदा होता है, इसी वजह से आंसर की का जो सिस्टम है वो जारी कर दिया गया है। लगभग सभी एग्जाम्स में अभी क्या हो रहा है, आंसर की आ रही है। तो अब हो गया ये आपका क्वेश्चन डाउट का क्लियर, अब 100% आपको जो है बिलीव हो चुका होगा कि आंसर की जारी होगा, और इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी, क्योंकि आज जो है 19 दिसंबर हो चुका है। जी हाँ, 19 दिसंबर हो चुका है 2019 का, और अभी तक जो है इसका रिजल्ट को भी लेकर कोई अपडेट नहीं आई, ना ही इसके आंसर की को। तो दोस्तों रिजल्ट को लेकर तो ये बात श्योर हो चुकी है कि अब जो है रिजल्ट दिसंबर महीने में नहीं जारी होगा, वो तो अब चला गया आपका जनवरी मंथ में। लेकिन जो आंसर की को लेकर जो अपडेट आ रही है, जो रिगार्डिंग इसी प्रकार की वेबसाइट्स हैं जो इसके जो एनालिसिस निकालती रहती है, और हम जो आपके लिए लेकर आते हैं ढूंढ ढूंढ के, तो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आंसर की का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो अभी भी दिसंबर महीने में ही है। यानी कि अभी भी आपके पास जो है 11 दिन का समय बचा हुआ है, 11 दिन में देखते हैं इसका आंसर की कब तक जारी कर दिया जाएगा। बट दोस्तों एक ही फाइनल है कि जो अभी तक का अपडेट है आज के टिल डेट के हिसाब से, अभी तक यही है कि आपका आंसर की जो CEPTAM 351 पोस्ट टेक्नीशियन का, जी हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ ताकि इसमें दो तीन वैकेंसी निकल चुकी, कन्फ्यूजन ना हो, तो ये टेक्नीशियन वालों का जो है आंसर की आएगा तो दिसंबर महीने के अंदर ही। बट ये है कि देखते हैं कब तक कौन से डेट पर जारी हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट दिसंबर एंड तक है। तो दोस्तों यही बात आपको बतानी थी, उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर सॉल्व हो चुके होंगे। बट कुछ भी डाउट्स अगर आपके पास अभी भी है, वीडियो
वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट कीजिए और हमसे पूछ सकते हैं आपको जो भी डायरेक्टली सवाल पूछना हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनके पास भी अपडेट पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।